नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप नाइन। और सबसे पहले बात करते हैं बंगाल के चुनावी रणनीति की। ममता बनर्जी का नया नारा क्या है? आज टीएमसी में हुई बड़ी टूट से बीजेपी कैसे हुई और मजबूत? 10 दिन बाद बंगाल में कहां सुनाई देगी पीएम मोदी की दहाड़? और नंदीग्राम के महासंग्राम में किसका पलड़ा भारी? बंगाल इलेक्शन पर देखिए टॉप नाइन बंगयुक्त। महिला दिवस पर आज कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कई किलोमीटर तक पैदल मार्च निकाला। उन्होंने कहा कि बंगाल में एक बार फिर टीएमसी की सरकार बनेगी और महिलाओं के अधिकार प्राथमिकता पर होंगे। कोलकाता रैली में पीएम मोदी के नारे पर ममता बनर्जी ने पलटवार किया। उन्होंने हरे कृष्णा हरे हरे, तृणमूल घरे घरे के जरिए टीएमसी के कार्यकर्ताओं में जोश भरा। कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी और अमित शाह पर डायरेक्ट अटैक किया। उन्होंने सिंडिकेट के बहाने पीएम मोदी और अमित शाह पर निशाना साधा और कहा कि देश भर में मोदी शाह का सिंडिकेट चलता है। बीजेपी ने इसे दीदी की बौखलाहट बता दिया। बंगाल में जीत के लिए बीजेपी हर हथकंडा अपना रही। पीएम मोदी के नाम पर धुआंधार कैंपेन में जुटी पार्टी ने अब एक नया पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर में प्रधानमंत्री को मोदी दादा बताया गया। अब 10 दिन बाद बंगी युद्ध में पीएम मोदी की दहाड़ फिर सुनाई देगी। पीएम मोदी अब 18 मार्च को पुरुलिया तो 20 मार्च को पूर्वी मिदनापुर के काकदीप में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। नंदीग्राम की चुनावी लड़ाई अब महासंग्राम में बदल गई है। ममता बनर्जी 10 मार्च को नामांकन करेंगी और 11 मार्च से इस सीट पर प्रचार की शुरुआत करेंगी, तो शुभेंदु अधिकारी 12 मार्च को नामांकन दाखिल करेंगे। नंदीग्राम के महासंग्राम में टीएमसी और बीजेपी के दिग्गज प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में दिग्गजों के हेलीकॉप्टर्स के लिए हेलीपैड भी तैयार हो रहे हैं। दोनों पार्टियों ने अलग अलग हेलीपैड तैयार करवाए हैं। मिथुन चक्रवर्ती अब बंगाल में बीजेपी के स्टार प्रचारक होंगे। मिथुन 12 मार्च से बीजेपी उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगे। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में भी मिथुन कई सभाएं करेंगे। ममता बनर्जी ने बीजेपी विरोधी दलों को एकजुट करने की रणनीति अपनाई। अब उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बंगाल इलेक्शन में टीएमसी के पक्ष में कैंपेन करने की गुजारिश की है। हेमंत सोरेन अब जल्द ही इस पर फैसला लेंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारत वर्ष पर।